बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक सबकी परेशानियां मुसीबतें दूर करे, बीमारों को शफा दे, बे औलादों को औलाद नदीना दे, बे घरों को अपना घर दे, जिनके कच्चे घर है अल्लाह पाक उनका पक्का घर दे, और जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। तो जो बीमार है खास तौर पर लोग, अल्लाह पाक उनको शफा दे। तो इस नेक दुआ के साथ हम लोग करते हैं वीडियो का आगाज। तो आज मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करूंगी। ये आप देख सकते हैं आज का मौसम जो है ना, वो भी फिर बादलों से ढका हुआ है। और आज भी मुल्तान में सारा दिन बादल थे, तो मैंने सारी झाड़ू वाड़ू तो दे दी थी, कचरा वगैरह भी उठा लिया था, क्योंकि वो जो है ना झाड़ू के बगैर जो है ना दिन सफाई के बगैर तो ऐसा लगता है जैसे नामुकम्मल हो। तो अब मैं बिछाऊंगी चार पहिए। थोड़ी सी बेसन वाली जगह रह गई थी वो धोनी है। पता नहीं इधर ना सारा खरबूजे का बीज गिरा हुआ है, मैंने सोचा है इसको धो लो। ये जगह भी मैंने साफ कर ली है क्योंकि ये जगह बहुत गंदी हो रही थी। पहले धोती हूँ हाथ झाड़ू वाले, उसके बाद जो है ना घड़े में पानी भरते हैं। कच्ची घड़ी का पानी पिए तो उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। और ये बात तो वैसे भी जरा गर्मी कम है और वो तो ठंडा है, उसका पानी इतना अच्छा लगता है ना बहुत ज्यादा। और बच्चे तो फिर भी इतना नहीं पीते, लेकिन मैं खास तौर पर नहीं वाला पानी बहुत पीती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडा पानी ना। पानी भी मैंने भर लिया है, अब मैं कच्ची छिटके रखते हैं। बयान जो है ना आज अंदर बैठ के पढ़ रहे। बयान आप बाहर आ जाओ, रोज के पढ़ लो, आओ। बेटा धूप इधर अंधेरा भी हो रहा है कमरे में, बाहर मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये देखो तो सारी बेड शेड आपने यहीं पे रखे हुए सारे, पंखा भी बाद में लगाएंगे। और आज मैंने बना ली थी आलू गोभी, थोड़ी सी उस कच्ची है उसको थोड़ा सा पकाना भी है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आज मैंने मट्टी वाली हांडी भी बनाई है, ये देखें माशाल्लाह से ना थोड़ा सा ना जो इसको ना हम गर्म भी करेंगे, थोड़ा सा इसका आलू जो है ना वो कच्चे हैं थोड़ा सा वो नरम भी हो जाएंगे, तो जो है ना मेरे को थोड़ी सी ताजी भी हो जाएगी, इसलिए मैंने कच्ची को ही उतार के रख दिया था। तो रोटी वगैरह भी बनानी है, रोटी भी बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा अंदर जो है ना कमरे में सूरत हाल देख लेते हैं कि अंदर जो चीजें फैली पड़ी है वो समेट लूं।
चार पैसे रख दिए सजा के। आपकी बुक से ना जयान याद की है, बाहर नहीं आते आप रोशनी में। आज बाहर आज मेरे सोना आज वो मेरा प्यारा पुत्र आज आज बाहर मेरे तकिए रख इधर रखो किताब इधर रख के ना पढ़ ठीक है। तो जी रिवर्स ये मेरा माशाल्लाह बेटा है, दिन सुबह जाता है उधर से और शाम को मैंने इसकी किताबें रखी हुई है तो इसको ना बड़ा भाई जो इसका अजान है वो पढ़ा देता है और इसको फिर यह कि थोड़ा बाद मैं स्कूल का भी पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा घर में क्योंकि ट्यूशन की फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये मदरसे में जो जाता है और पढ़ लेता है वहाँ पे कुरान पाक और शाम में स्कूल का पढ़ता है इसलिए पढ़ा देती हूँ कि ये बाहर खेले ना या फिर कोई शरारत वगैरह बाहर ना करे तो ये घर में ही रहे। अब मैं बनाती हूँ हांडी, हांडी को चेक करते हैं उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। माशाल्लाह मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया था और अब सबसे पहले देखेंगे हांडी को। हांडी का जो सीन है ना ये माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है ना आलू मैंने बना लिया था, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी तो इसलिए मैंने दोबारा शेयर भी की। तो अब थोड़ा सा ये आलू थे ये साथ में ये नरम हो जाएंगे ये पक जाएंगे और जब तक मैं पेड़े बना लूंगी ठीक है। मेरे जियान को भूख लग रही है जी। चलो मैं अभी आपको खाना देती हूँ।
रियान आप जल्दी पढ़ लो फिर खाना ले लो है, और अजान को भी आवाज दो वो भी खाना ले ले, सारे खा लो फिर फारिग हो दो। कर दी तुम सुबह वाले रोटी को जाया ना करो बेटा, आटा गरम बहुत महंगा है। दान भी हो रही है मगरिब की, बस जी माशाल्लाह मेरी रोटियां बन गई है, सालन भी हो गया, अब मगरिब की अजान का टाइम भी हो गया, बच्चे मेरे दोनों माशाल्लाह से नमाज पढ़ने गए, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर हम लोग अब नमाज पढ़ के आपके साथ खाना शेयर करेंगे। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो मट्टी वाली हांडी में खाना बनाया, और आपको पता है मट्टी वाली जो हांडी होती है ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मजेदार होता है, माशाल्लाह ढक देते हैं ताकि ये गरम रहे, हमारी हांडी भी ये बच्चे नमाज पढ़ने गए और किताबें खिला के खाना निकालेंगे, नमाज वगैरह पढ़ ली थी बच्चों ने, और मैं भी इनको खाना देकर नमाज पढ़ूंगी, तो मैंने सोचा मैं पहले वीडियो में डाल लूं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है, फिर वीडियो के जो कलर है ना वो सही नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारा आलू गोभी, जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना है वो आ जाए, और प्लीज मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे जो नए बहन भाई है मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें, स्किप मत कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे, जहां भी रहे मेरे प्यारे दिल, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब हम लोग खाना खाएंगे, हमारी जो गांव में शाम की रूटीन होती है ना वो ऐसी होती है, हम लोग रोटी बना के सारे चार पुलियों पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो हम लोग है नहीं जो टेबलों पे बैठ के खाएंगे, और बस हम लोग हमारी रूटीन शाम की ऐसी है, और शाम को हम ऐसे ही सारे चार पुलियों पे खाना खाते हैं। अंग्रेज तो है नहीं जो हम लोग चेयर जिस चेयर कहते हैं ना कुर्सी को, भाई चेयर ले सके, मेज ले सके और हम लोग उस पर बैठ के खाना खाएं, हाँ ले भी सकते हैं अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी आप सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे तो हम लोग भी अच्छे, यानी कि मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ सकेंगे, अच्छा तरीकेकार होगा, जैसे दुनिया चल रही है वैसे दुनिया के साथ रहन सहन हम भी कर सकेंगे, तो इस तरह आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी जरूर एक ना एक दिन होंगे, और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बहन भाई जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं अधूरी हूँ, और इसी तरह जैसे आप लोग कॉमेंट अच्छे अच्छे भेज रहे हैं मुझे, इसी तरह अच्छे अच्छे कॉमेंट भेजते रहे तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं सबके जो कॉमेंट है ना वो पढ़ती हूँ, मेरा बेटा जो अजान है वो मुझे पढ़ के सुनाता है, और फिर मैं आपको कॉमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और बस ये शौक है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। जी मेरे प्यारे बहन भाई, बस हम लोग भी इतने भी अमीर नहीं है, मेरे मियाँ भी इतने अमीर नहीं है, बस रोजी रोटी जो है ना हमारी चल रही है, कभी एक दिन साल वगैरह बना लेते हैं तो दो दिन नहीं बनाते, बस ऐसे ही बच्चे जो है गुजारा कर लेते हैं, खा भी लेते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और इसलिए ही मैंने चैनल बनाया था कि कुछ मेरे लोग मदद करें, मेरी सपोर्ट करें, और मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिला सकूँ, पहना सकूँ, और उनको अलग तालीम, बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं जरा अभी नमाज पढ़ूंगी मगरिब की, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, नमाज पढ़ के फिर मैं खाना खाऊंगी, और इस तरह आप लोग मुझे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, मेरी वीडियो फुल बात करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, और क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।